हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड साइबर सिक्योरिटी लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपके बीच में आज मैं नया टॉपिक लेकर आ गया हूं। और जैसे कि हम डेटा सिक्योरिटी जो टॉपिक था उसको कवर कर रहे थे, इसके पहले हमने फायरवॉल वीपीएन के बारे में देखा, ओके। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल होता क्या है, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल, ओके। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए वीडियो को, ओके। बात करते हैं हम एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस मीनिंग से हम क्या समझ में आप हम क्या समझ सकते हैं यहां से, कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अनऑथराइज्ड हो, या हम जिसे ना चाहते हो कि हमारे डेटा को एक्सेस कर पाए या हमारे डेटा को व्यू कर पाए, अगर वो सारे कंट्रोल्स हमारे पास में आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी कि सारे कंट्रोल्स हमें मिल चुके हैं कि कौन कौन हमारे डेटा को या हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, हमारे नेटवर्क से इंफॉर्मेशन ले सकता है, ओके। सो एक्सेस कंट्रोल इज अ सिक्योरिटी दैट कैन बी यूज्ड टू रेगुलेट हु और व्हाट कैन व्यू और यूज रिसोर्सेस इन अ कंप्यूटर एनवायरनमेंट। हमारे कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में कौन कौन हमारे रिसोर्सेस को देख सके, हमारे रिसोर्सेस को यूज कर सके, ये सारे कंट्रोल्स हमें एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स प्रोवाइड करवाती हैं, ओके। समझ में आया एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स क्या होती है। अब हम बात करते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल टेक्निक जो होती है उनके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड अनदर वन इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लिमिट्स एक्सेस टू कैंपस, बिल्डिंग एंड रूम्स। मतलब कि फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हमें ऐसा कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है जिससे हम किसी एक कैंपस, फॉर एग्जांपल हमारा कॉलेज हो गया या कोई कंपनी हो गई या कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग हो गई या कोई पर्टिकुलर रूम जिसके अंदर एक नेटवर्क को क्रिएट किया गया हो और उस नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उस नेटवर्क को किसी पर्टिकुलर कैंपस या पर्टिकुलर बिल्डिंग या रूम के नेटवर्क को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये जो लिमिट है कौन प्रोवाइड करवाता है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ओके। आफ्टर दैट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस लिमिट्स कनेक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, सिस्टम फाइल्स एंड डेटा। मतलब कि हमारे कंप्यूटर में किस नेटवर्क से, सिस्टम फाइल्स से कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो लॉजिकल लिमिट्स कौन प्रोवाइड करवाता है हमको, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना रहते हैं उन सब की लिमिटेशंस कौन प्रोवाइड करवाता है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो ये तो शॉर्ट में मैंने इन दोनों के बारे में बता दिया आपको। अब हम और कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में, एक्सेस कंट्रोल के बारे में। एक्सेस इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ रिसोर्स, एग्जाम्पल यूजर, प्रोग्राम, प्रोसेस एक्सेट्रा। मतलब कि ये हमारे इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट और रिसोर्सेज के बीच में जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमको एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। आफ्टर दैट एक्सेस कंट्रोल गिव ऑर्गेनाइजेशन द एबिलिटी टू कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट, मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट रिसोर्स CIA। मतलब एक्सेस कंट्रोल किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो अपने कैंपस के अंदर ही, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजों को मॉनिटर कर सके, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, किन किन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना है, मतलब किन किन डेटा पैकेट्स को या किन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना है जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, और CIA जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट आता है, एक्सेस कंट्रोल कैन बी सीन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन प्लस एडिशनल मेजर्स जैसे कि क्लॉक और IP बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें सुविधा प्रोवाइड करवाता है, ओके। कि कौन कौन से आईपी एड्रेसेस, कौन कौन से आईपी एड्रेसेस के डेटा पैकेट्स हैं जो कि हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है। आई होप स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो इसके बारे में बताई, एक्सेस कंट्रोल, आप
इसको समझ पाएंगे। ओके, तो अगले लेक्चर में अब हम अगला अगला टॉपिक लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। ओके।